हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड्स में जो वैकेंसीज निकली है असिस्टेंट इंजीनियर के, उसके बारे में गाइडेंस के लिए। तो जो वैकेंसी निकली है, मैंने लगभग लगभग गुजरात गवर्नमेंट के सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जीपीएससी का है, डिस्कॉम का है, जेटको का है, सारे एग्ज़ाम दिए हुए हैं। लेकिन ये जो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड्स का जो निकला है असिस्टेंट इंजीनियर का, ये वैकेंसी कभी कभार निकलती है, तो इसका एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया हुआ है। तो मैं जिस तरह से इसका नोटिफिकेशन है उस पर से मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता सकता हूँ कि इसमें किस तरह का पेपर आना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आने चाहिए और किस तरह से इसका तैयारी इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि जो क्लास टू है, ये जो एग्ज़ाम है वो क्लास टू में पोस्ट है, वो क्लास टू में आती है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दो स्टेज में होगा। सबसे पहले इसका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न एग्ज़ाम की बात करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद जो भी लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू वो लोग कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम की बात करते हैं। तो उसमें जो भी दिया हुआ है कि सिलेबस में, उसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग लेवल का उसमें सिलेबस होगा। दूसरी बात ये कि 90 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे। तो जो पेपर है वो इंजीनियरिंग डिग्री लेवल का होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स जिस तरह से उसमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से लगता है कि सारे के सारे आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ के जाने चाहिए। जैसे कि जेटको में मैंने कहा था कि आपको सिर्फ पावर सिस्टम पे ज़्यादा भार देना चाहिए और स्विच गियर वगैरह जो 5-6 सब्जेक्ट है उन पे आपको ज़्यादा भार देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स को आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। और जिस तरह से सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग लिखा हुआ है उसमें नोटिफिकेशन में, उस तरह से लगता है कि इसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत कम होगा या फिर नहीं भी हो सकता है, पूरा टेक्निकल भी हो सकता है पूरा। तो आपको सारे ही सब्जेक्ट्स तैयार करके जाने चाहिए, जो भी टेक्निकल्स हैं, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे। तो इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट उसमें कंट्रोल सिस्टम आ जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा और जो भी एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है वो पोर्शन भी आ जाएगा, माइक्रोप्रोसेसर आ जाएगा। वो सब भी सब्जेक्ट्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाने चाहिए और ख़ास करके कोर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ में ये सब जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो भी इंजीनियरिंग में आप पढ़ के गए हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से उसमें तैयार करके जाने चाहिए, जिस तरह से नोटिफिकेशन में लिखा है उस तरह से। तो सबसे पहली बात कि ये सब्जेक्ट्स की बात मैंने कर दी कि सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने चाहिए, पढ़ के जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं बुक्स की, कौन कौन सी बुक इसमें यूज़फुल हो सकती है। तो सब्जेक्ट्स में आप जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपको पढ़ने ही है, जैसे कि पावर सिस्टम, स्विच गियर, मेजरमेंट है, उसके बाद जो भी जनरेशन है, इकोनॉमिकल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ में आपको कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे ही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ के जाने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। और क्योंकि जो जेटको है उसका पैटर्न ऐसा था कि उसमें जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा भार दिया जाता है, उनमें से ज़्यादा उसका ज़्यादा वेटेज होता है। लेकिन जो ये जिस तरह से ये एग्ज़ाम के लिए, मुझे लगता है कि सारे ही सब्जेक्ट्स को सही तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी में भी कोई भी सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा वेटेज का आ सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सभी सब्जेक्ट्स में इक्वली वेटेज का पूछे, या फिर कभी एग्ज़ाम को टफ बनाने के लिए पावर ट्रम्प्स का भी ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से करना पड़ेगा इसमें आपको। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक इसके लिए यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही, जैसे नोटिफिकेशन में दिया है। दूसरी बात ये भी लिखा है उसमें कि अगर कोई भी क्वेश्चन को आप अटेंड नहीं करना चाहते तो उसमें ई ऑप्शन को आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा, वरना वो आपका जो, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है और आप अटेंड नहीं करना चाहते तो आप, अगर आपने उसमें ई ऑप्शन को आपने टिक नहीं किया होगा तो वो भी आपका नेगेटिव, उसका भी नेगेटिव मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये तो उसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं बुक की कि कौन कौन सी बुक इसके लिए यूज़फुल होगी। अब मैं कहूँगा कि वीके मेहता जो है ऑब्जेक्टिव जो बुक है वीके मेहता की, वो सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं करती, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स उसमें दिए हुए हैं वो काफ़ी सफिशिएंट है। जैसे कि उसमें कंट्रोल सिस्टम नहीं दिया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया, एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिया हुआ, माइक्रो प्रोसेसर नहीं दिया हुआ, ऐसे सब्जेक्ट्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग के वो उसमें नहीं दिए हुए हैं। बाकी उसमें बेसिक दिया है, मशीन दिया है, स्विच गियर दिया है, वो सब उसमें दिया हुआ है, तो वो आप प्रिपेयर उसमें से कर सकते हो। बाकी जो सब्जेक्ट्स उसमें नहीं दिए हुए हैं
वो आप जे बी गुप्ता है, आर के राजपूत है, उसमें से कर सकते हो। तो आपको दो तीन बुक्स को इसमें साथ में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। और दूसरी कोई भी आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आप बीटेक में कोई मशीन की मानो के बीएल थेरेजा यूज़ करते हो तो वो बुक यूज़ कर सकते हो थियरी पढ़ने के लिए, तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप। बाकी आपके लिए ये तीन सब्जेक्ट, ये तीन बुक्स तो है ही है, वी के मेहता है, बाद में जे बी गुप्ता है, आर के राजपूत है, इन तीनों बुक को अगर आप कंबाइन तरीके से सही तरह से पढ़ोगे, सब्जेक्ट्स आप खुद चूज़ कर लीजिए कि कौन सी बुक में से आपको कौन सा सब्जेक्ट्स आपको करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको इजी पड़ेगा, तो तीनों बुक में लगभग सारे ही टॉपिक और सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। और उसके सिवाय भी अगर आप मानो को आपको आप रेफरेंस बुक बीटेक में यूज़ करते हो कोई, उसमें मानो कि बीएल थेरेजा है, दूसरी कोई पावर सिस्टम की बुक्स है वगैरह अगर आप रेफ़र करते हो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से आपको किसी भी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से कवर करना है। तो ये था इसके लिए मेरे टाइम बोर्ड्स के लिए। अगर कुछ मेरे पास ज़्यादा कुछ अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आपको अगले वीडियोज़ में उसके बारे में बताऊँगा। और अगर आपकी कोई कुछ कमेंट है, अगर मानोगे कमेंट का जवाब देने में कुछ टाइम लग जाए, 4-5 दिन, 3-4 दिन, तो अगर कभी कभार ऐसा हो सकता है कुछ बिजी शेड्यूल के कारण, तो भी आप कोई चिंता मत करिएगा, क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आपका कमेंट का आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।